नमस्ते दोस्तों, सुबह स्टार्ट फार्म विज्ञान आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो डेली रोजाना के जो हमारे काम होते हैं वो आपको सिखाते हैं। अभी चारा देना शुरू कर रहे हैं जोगराज और शंकर दोनों मिलके। सबको आ जाएगी पूरे दिन की और रात की। जोगराज कितने लग गए, क्या कैसे लगा? ज्वार काटने गए थे इसकी वजह से जोगराज के हाथ में लग गया। वो बोल रहा है हाथ में लग गए। और शंकर बैठा है, पूरो राज आया है और सोबास्टर्ड फार्म विजाण डेली के ब्लॉग आएंगे हमारे चैनल पे। जोगराज को कुछ काम नहीं है, फ्री होके बैठा है और आज लूडो खेलेंगे जोगराज शंकर और बोचा, टाइम पास करेंगे अभी लूडो में। सही है जोगराज, ठीक है। अभी चारा डालना शुरू कर दो बेटा। करते हैं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और यहाँ पे कटिंग चालू है ज्वार की हाथ से जोगराज और शंकर। तो आइए दोस्तों, आज आपको रूबरू करवाते हैं। ये हमारी घोड़ी है लाल सोनल, जिसके पैर में मोच आई है। आप देख सकते हैं जिस तरह से वो चल रही है, उसके दहीने पीछे वाले दहीने पैर में मोच आई है। हमारे जगदीश सिंह घोड़ी को मालिश कर रहे हैं, तेल की मालिश। तो आज हम आपको जानकारी देंगे, ये तेल ये देसी इलाज है। हम इसको एरंडा बोलते हैं, एरंडा का तेल है जिसके मिश्रण में हम लहसुन और कपूर इन सभी चीज़ों को का मिश्रण करके हम उबाल के तेल बनाते हैं। और यकीन मानिए, इससे मालिश करने के बाद घोड़ी के पैर में या कोई भी अश्व हो उसके कहाँ मोच आई हो तो उसके इलाज के लिए बहुत ही ज़ोरदार इलाज होता है, असर पड़ता है उसके शरीर पे। तो दोस्तों, ये हमारे मूलचंद भाई लाल सोनल के लिए दवा बना रहे हैं, देसी दवा। ये बबूल के पेड़ के छालों से बनाई हुई दवा है। बबूल के छालों को उबाला जाता है और फिर ये दवा बनती है। आप देख सकते हैं ये दवा बना रहे हैं मूलचंद भाई, इसे मिक्स कर रहे हैं। ये प्योर देसी इलाज है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मूलचंद भाई और जगदीश सिंह, हमने पहले तेल की मालिश की जगदीश सिंह ने लाल सोनल को, और फिर मूलचंद भाई ने जो दवा बनाई बबूल के छालों की, वो तेल के ऊपर उसका बबूल के छालों की दवाई का लेप हमने लगाया। इससे काफ़ी उसके शरीर पे असर करता है। शरीर के किसी भी पार्ट में सूजन हुई हो, मोच आया हो, तो आप ये दवा लगाने के बाद उसको कापूस से यानी कॉटन से कॉटन ऊपर डाल सकते हैं और उस पार्ट को आप। अभी आपको हमारे कबूतर दिखाता हूँ। और दो तीन दिन पहले हमने एक कबूतर लेके आए थे गांव में से, उसके आज हम पर खोलेंगे और उड़ाएंगे, देखते हैं अपनी जगह पहचान लेता है यार यही रहता है क्या करता है। अभी आज उस कबूतर को पर खोलेंगे हम, मैं और आदम, और पूरा दाना दे रहा है सभी कबूतरों को। सभी आ रहे हैं, देख लो। पूर्वराज को कबूतर का बहुत शौक है, पिजन लवर भी है। अभी देखो सब आएंगे कबूतर चना चुभने के लिए, अभी सब आएंगे। तो ये कबूतर मैं गांव में से लेके आया था, अभी इसके पर खोलूंगा और देखेंगे उड़ाएंगे भी कि यहाँ पर रहता है यार कहीं पे जाता है। इसकी टैप खोल रहा हूँ और भी निकल आया इसका एक। टैप बांधने के बाद इसके बेचारे के पर भी निकल आए हैं। उड़ाते हैं इस कबूतर को जो गांव में से मैं लेके आया था। उतर आया, देखो दोस्तों, अभी इधर ही रहेगा, अभी इधर से कहीं भी नहीं जाएगा। अभी ये खुद की जगह हो गई, अभी इसको पता है। अभी रोज सुबह 8 बजे निकल जाते हैं सब घर बाहर और शाम को 8:30-9 बजे सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। अभी ये कबूतर भी किधर नहीं जाएगा जो दो तीन दिन पहले मैं लेके आया था गाँव में से, वो कबूतर है। और एक बार ट्राई करते हैं किधर जाता है कि नहीं जाता। देखो आ रहा है, गो गो।
तो आज हम डॉली और रॉकी को वॉकिंग कराने ले जा रहे हैं। दोनों डॉग को हम वॉकिंग कराएंगे आज। अजय और आदम दोनों डॉग को वॉक कराने निकले हैं। हमने ओके बेटा, और आदम भी साथ में मेरे। आपको डेली व्लॉग में हम नहीं दिखा पाते क्योंकि हमें बहुत काम होता है, फिर वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिलता। आज तो हम डेली 10 बजे के बाद इनको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जंगली जानवर कोई भी आ नहीं सकते इधर गाड़ी पे। ये तीनों शिकारी है, शिकार को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। बहुत बढ़िया है इनका काम, अभी गाय माता भी वापिस आ रहे हैं चरने के बाद। सब गाय माता सब वापिस आ रही हैं। अभी शाम का टाइम है और मैं और आदम दोनों, एक मेरे पास है रॉकी और आदम ने डोली लिया है, डोली को साथ में लिया है, और मैंने रॉकी को लिया है। और जला बापू भी वापिस आ रहे हैं। जला बापू चाय बनाना अभी आप जाके, और नहीं हमारे सबकी, हम हमारे फार्म में दोनों डॉग को घुमा रहे हैं, वॉकिंग करा रहे हैं रॉकी और डोली को। और रात को हम इनको खोल देते हैं और कोई दिक्कत नहीं रहती। और टाइगर भी हमारे साथ है, टाइगर भी चल रहा है। राइट में ये गाड़ी छोड़ के किधर भी जाते नहीं है फार्म छोड़ के, और पूरे फार्म में राउंड लगाते रहते हैं। ये अकेले अकेले चाय पी रहे हैं शंकर, जोगराज और जाला बापू। हम वॉक कराने गए थे तभी इनको बोला था चाय बनाओ, तो हमें बोला ना, और अभी हम पहुंचे हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल एक नए ब्लॉग के साथ आपसे जुड़ते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।